ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने अपने जन्मदिन पर अपना गांव अपना काम कार्यक्रम लॉन्च किया। सुधीर शर्मा ने कहा कि कोरोना ने हमें वर्क फ्रॉम होम करना सिखा दिया, ऐसे में भविष्य में ऐसा और भी कुछ हो सकता है, ऐसे में सभी को इसके लिए तैयार रहना होगा। ऐसे में हमने प्रयास किया है कि स्वरोजगार व रोजगार के लिए समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने का, जिसके लिए वेबसाइट लॉन्च की जा रही है। इसके अतिरिक्त ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी है। सुधीर ने कहा कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की है, जिससे कि बाहर से जो लोग काम धंधे छोड़कर आए हैं भी यहीं रहकर अपने ही गांव में काम कर सकें। इसके लिए उनके साथ विशेषज्ञों की टीम भी है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारियां युवाओं को प्रदान करेंगे। अभी शुरुआत धर्मशाला से की है, भविष्य में अन्य जिलों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने आम जनता से कहा कि ये सभी का अपना कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50% से अधिक महिलाएं हैं, जिनमें अधिकतर गृहिणियां हैं, तथा उन्हें भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाया जाएगा। सुधीर शर्मा ने कहा कि अभी कार्यक्रम शुरू किया है, इसे प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर लेकर जाएंगे। हर ब्लॉक में वॉलंटियर रखे जाएंगे, जो कि अलग अलग फील्ड जैसे कृषि बागवानी, फ्लोरिकल्चर, पोल्ट्री, आईटी, टूरिज्म, फिशरी से संबंधित लोगों को हर तरह के सुझाव उपलब्ध करवाएंगे। ये कार्यक्रम समाज के लिए समाज द्वारा के आधार पर शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यही है कि प्रदेश में खुशहाली आए तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र के कई इलाकों में पतझड़, स्कैब, अन्य कई बीमारियां पनपने लगी हैं, जिससे बागवानों की चिंता बढ़ने लगी है। बागवानों का आरोप है कि बागवानी विभाग के पास ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए प्रभावशाली दवाइयां ही नहीं हैं। इससे जहां सेब की फसल प्रभावित हो रही है, वहीं इन बीमारियों से फल पौधों को भी नुकसान हो रहा है। उधर विभाग के विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि ऐसी बीमारियों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि जिन क्षेत्रों में स्कैब की शिकायत थी, वहां पर इस बीमारी पर समय रहते काबू पा लिया गया है। उन्होंने बागवानों को सलाह दी है कि बरसात के मौसम में मॉइस्चर अधिक होने के कारण बीमारियों का अधिक खतरा रहता है, इसलिए विभाग द्वारा सुझाए शेड्यूल के हिसाब से दवाओं का छिड़काव करें, बगीचों में घास आदि काट कर उन्हें साफ रखें। बागवानी विभाग के विशेषज्ञ जेसी वर्मा ने बताया कि स्कैब की बीमारी कुछ क्षेत्रों में थी, उसे समय रहते काबू किया गया। लोगों को शेड्यूल के हिसाब से दवाइयां मुहैया करवाई जा रही हैं। विभाग द्वारा सुझाए शेड्यूल के अनुसार ही बागवान कीटनाशकों का छिड़काव करें। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में बगीचों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अधिक मॉइस्चर होने के कारण बरसात में बीमारियों का अधिक खतरा रहता है। बागवान सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्तमान में सेब बागवानों को बगीचों में तेजी से फैल रहे स्कैब की चिंता सता रही है। सेब के बगीचों में तेजी से फैल रहे स्कैब की विभाग के पास प्रभावी दवा नहीं है। विभाग के पास पुराने जमाने की दवाइयां हैं, जबकि मार्केट में कई अच्छी और प्रभावी दवाइयां हैं। बागवान राजा राम देष्टा ने बताया कि वर्तमान में पतझड़ और स्कैब की दवा विभाग के पास प्रभावी नहीं है। कई इलाकों में बागवानी विभाग के अधिकारियों के पद भी रिक्त हैं, न ही जागरूकता से जुड़ी विभागीय गतिविधियां हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में 1975 में आपातकाल के दौरान अपनी विचारधारा के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक रहे बलवीर राणा के घर ज्वालामुखी के साथ लगती पंचायत बड़ोली में पहुंचकर उनका सम्मान किया और उनके हाथों से पार्टी के वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी करवाया गया।
इस अवसर पर संजीव शर्मा ने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा आज जहां देश प्रदेश में सत्ता में है, इस विचारधारा के लिए कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और आपातकाल किस्में यातनाएं भी झेली हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने महामंत्री अभिषेक पादा, ज्वालामुखी मंडल अध्यक्ष मान सिंह राणा, देहरा मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह की मौजूदगी में संघ के पूर्व प्रचारक रहे बलवीर राणा से मिले और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनके हाथों से पौधारोपण करवाया। इस अवसर पर सिद्ध कुटियारा युवक मंडल के सारे सदस्य भी मौजूद रहे। सेवक संघ के पूर्व प्रचारक बलवीर राणा ने कहा कि वर्तमान की केंद्र और प्रदेश सरकार के नेतृत्व ने उन्हें लोकतंत्र प्रहरी के रूप में सम्मान दिया है, उसके लिए भाजपा संगठन और सरकार का धन्यवाद करते हैं।